अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आया एक चैलेंजिंग ऑर्डर जो कि मैंने बनाना था, इट्स अ गर्ल का केक। जो कस्टमर हैं मेरे पास अक्सर वो लोग ऑर्डर देते हैं, बड़ा उनको पसंद आता है ये केक। तो उनके घर क्या है कि आ रही थी एक नन्ही प्यारी सी गुड़िया, उन्होंने कहा हमें जो है ये केक तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर चाहिए। मुझे थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो केक तैयार नहीं होता, बेक भी करना है, यानी कि स्पंज बाकी भी तैयारी करनी है, बाज़ों का चीज़ होती है ख़त्म हो चुकी होती है, बहुत मसाइल होते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस दफ़ा इस ऑर्डर को हम ले ही लेते हैं और करते हैं चैलेंज अपने आप से कि हम इसको तैयार कर सकते हैं कि नहीं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया, क्योंकि हमने क्या है कि इस वजह से ही मैंने लिया था कि मैंने इस टारगेट को चेस करना है तकरीबन 2 घंटे के अंदर। अपने आप से ही मैंने कुछ इस चीज़ को किया कि नहीं मैंने करना है, तो मैंने माशाल्लाह से तैयार किया। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम ऑर्डर वर्क लेते हैं तो क्या है बाज़ूकात हमारे पास इस तरह के ऑर्डर्स आ जाते हैं और हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होता है कि हम आया हमारे पास अगर इस तरह का ऑर्डर आ गया तो हम उसको किस तरह तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इसको तैयार किया, काफ़ी अच्छा जो है वो नीट बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से केक तैयार हुआ। और मुझे ज़रा ये था कि मैं इट्स अ गर्ल का केक बनाऊँ, मैंने स्टैम्प लिया था पर कोई ऑर्डर फिलहाल तो आया नहीं था, लेकिन आया तो ये, तो बाकी सेटिंग जो है वो मेरे ऊपर ही थी। तो मैंने अपने हिसाब से ही बड़ा प्यारा सा कलरफुल सा इस केक को तैयार किया, क्योंकि ये डिज़ाइन जो था वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने कहा चलें इसी डिज़ाइन को ट्राई करते हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन ज़बरदस्त हमारा ये केक तैयार हो गया। उनको भी बहुत पसंद आया, सबको पसंद आया। अब आपने भी बताना है कि ये मैंने चैलेंज लिया तो इसको मैंने सही जो है वो तरीके से निभाया, ज़बरदस्त सा बनाया कि नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। इसी तरह ही मैंने और जो है वो कपकेक के भी ऑर्डर्स लिए हुए थे, ये क्रीम जो थी मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है काम हो गया मेरा, क्योंकि मैंने और भी जो है एक जगह 6 कपकेक थे वो देने थे और एक जगह मैंने जो उम्र मुबारक का केक बनाना था। तो ये देखें इसका मैं फुल ट्यूटोरियल नहीं दिखा सकी क्योंकि टाइम नहीं था, ये जिस टाइम मैं इनको डिलीवर कर रही थी उसी टाइम वो मेरे पास ही खड़े थे, तो मैंने उस टाइम थोड़ी सी वीडियो बस बना ली। तो ये देखें सब चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको भी इन सब चीज़ों को बनाना सिखाऊंगी। एक और ऑर्डर था ये, इसका भी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ही किया, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से मैंने तकरीबन 3-4 ऑर्डर थे जिनको कम्प्लीट किया। आप ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।